नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे आपके यूपीएमआरसी एग्जाम के लिए, जो कि आपका ये जितने भी एग्जाम आपको होने वाला असिस्टेंट मैनेजर का, स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर का और मेंटेनर का, तो सभी के लिए आपका ये इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि देखिए, जो जीके का जो पोर्शन आपका है तो ये कॉमन है सभी ब्रांच के लिए, तो आप लोग जो है इसको देख सकते हैं, सभी का कॉमन ही रहेगा। और देखिए, हमने इसका एक पूरा कंप्लीट पीडीएफ नोट्स भी तैयार कर दिया है जीके का, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके होते हैं, तो इसका भी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और साथ में इंग्लिश का भी हमने प्रोवाइड कर दिया है, तो सभी का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। बट स्टार्ट करने से पहले, अगर आप लोग यूपीएमआरसी का एक स्पेशल कोर्स आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग जो है इसको कर सकते हैं। यहाँ पे जो है हम नॉन टेक्निकल का पूरा कंप्लीट कोर्स इसका करा रहे हैं, जिसमें कि इंग्लिश और जीके का जो आपका है, तो यहाँ पे आपको पूरा कंप्लीट लेक्चर आपको यहाँ पे कराए जाएंगे, जिसमें कि आपको टॉपिक वाइज लेक्चर तो प्रोवाइड करेंगे ही इसमें, और साथ में जो है आपका यहाँ पर ये सब्जेक्ट के जितने भी आपके हैं तो सभी को पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और इसके साथ में नॉन टेक्निकल का टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करेंगे, इसमें आपको इंग्लिश और जीके खासकर इसमें इंक्लूडेड रहेगा आपका। तो ये जो है आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। हमने ऑलरेडी क्लास स्टडीज का कर दिया है, तो लगभग हमने यहाँ पे 50% ऑलरेडी इंग्लिश और जीके का सिलेबस हमने करा दिया है, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो है आपको केवल ऐप पे ही आपको हमारा मिलेगा। ऐप का नाम है सरजी क्लासेस, तो ये जो है लिंक दिया रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग जो इस ऐप पे जाने के बाद कोर्स को अवेल कर सकते हैं। और ये मात्र ओनली 249 रुपीज़ में आप इसको अवेल कर सकते हैं, जो कि हमने काफ़ी मिनिमम प्राइस ही रखा हुआ है यहाँ पे। और इसके साथ में स्टेशन कंट्रोल ट्रेन ऑपरेटर का जो आपका साइको का जो टेस्ट होने वाला है, तो इसका भी हम जो है इसी में प्रोवाइड आपको कर देंगे लेक्चर, और बाकी जो जो रहते हैं क्लास इसके, तो वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे इसका। क्योंकि देखिए, ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये जो है नॉन टेक्निकल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको बिल्कुल इग्नोर करके नहीं चलना। तो आप लोग इसको अवेल कर सकते हैं, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका। तो देखिए, पहला सेट में हमने जो है आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको कराए थे, ये है आपका सेट नंबर 2। तो आप लोग नहीं देखे होंगे फर्स्ट सेट, तो आप लोग देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। तो ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो क्वेश्चन आपका देखिए सभी से पूछे गए थे, करंट अफेयर से और बाकी स्टैटिक जीके, इसके अलावा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन सभी से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, एक आपका ये करंट अफेयर का पूछा गया था कि ऑन बीसीसीआई अवार्ड 2014-15 हु वॉज गिवेन द पॉली उमरिगर अवार्ड क्रिकेटर ऑफ द ईयर। तो 2014-15 के लिए किसे जो है पॉली उमरिगर अवार्ड दिया गया था क्रिकेटर ऑफ द ईयर का, तो देखिए उस समय दिया गया था विराट कोहली को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 आपका हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग जब ये करंट अफेयर आपका आया हुआ था। तो यहाँ पे देखिए लिस्ट आपका दिया हुआ है जितने भी लोगों को जैसे उसके बाद का पोली उमरिगर अवार्ड दिया हुआ है, तो लगातार देखिए विराट कोहली को जो है 4 साल दिया गया था पोली उमरिगर अवार्ड क्रिकेटर ऑफ द ईयर का, 2014 से 15, 15-16, 17-16-17 और 17-18 में भी दिया गया था लगातार। और बाकी देखिए 18 और 19 में जो है ये दिया गया था जसप्रीत बुमराह को दिया गया था, तो ये आप लोग याद रखना। इससे भी रिसेंट में अभी आपका एग्जाम होने वाला है, तो रिसेंट में आपसे भी ये पूछ सकता है। तो रिसेंट में 2018-19 के लिए दिया गया जसप्रीत बुमराह को। फिर नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स टर्म इज यूज इन द स्विमिंग। तो स्विमिंग में कौन सा स्पोर्ट टर्म जो है यूज किया जाता है, तो इसमें देखिए दिया हुआ है सडन डेथ, ब्रेक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक है सॉरी यहाँ पे, ब्लॉकिंग या डंक है। तो देखिए स्विमिंग से आपका रिलेटेड है, दैट इज ब्रेस्ट स्ट्रोक। तो ब्रेस्ट स्ट्रोक जो है आपका है, तो ये ब्रेस्ट के बल यानी कि छाती के बल हो गए वो जो जो तैरते हैं, तो वो एक तरीका है ये जैसे स्विमिंग में आपका रहता है, तो ये टर्म जो है आपका उसी से ये रिलेटेड है स्विमिंग से ही। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 आपका हो जाएगा। और बाकी देखिए जो स्विमिंग से रिलेटेड और भी जो टर्म आपके हैं, जैसे कि आपका फ्रंट क्रॉल हो गया, बैक स्ट्रोक हो गया, बटरफ्लाई स्ट्रोक हो गया और ब्रेस्ट स्ट्रोक हो गया, तो ये सारे जो स्विमिंग से आपके रिलेटेड है। और बाकी देखिए जितने भी और भी स्पोर्ट्स आपके जैसे फुटबॉल, हॉकी, चेस हो गया, तो उनसे रिलेटेड जो भी स्पोर्ट्स टर्म जो रहते हैं आपके, तो इन सभी का हमने एक अपडेटेड पीडीएफ कंपाइल करके बनाया हुआ है इंग्लिश जीके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वाले पीडीएफ में, तो उसमें आपको ये सारी चीज़ मिल जाएंगे। तो उसको भी आप लोग जो है बाय कर सकते हैं, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं उसको, आप लोग लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन आपका पूछा गया था यहाँ पे कि व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द प्योरिटी ऑफ ए मिल्क, यानी कि मिल्क का प्योरिटी को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज हम लोग करते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, दैट इज लैक्टोमीटर। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। बैरोमीटर का यूज करते हैं हम लोग एटमोस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए। इसके अलावा आपका इसमें दिया हुआ है आपका यहाँ पे हाइड्रोमीटर है, तो ये जो है आपका रिलेटेड है वाटर का डेंसिटी को मेजर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए और भी आपके वो दिए हुए जितने भी बेसिकली जो आपके इंस्ट्रूमेंट है, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट आपके हैं,
इनका यूजेज और इनका इन्वेंटर्स किसने किया था इसका, तो ये लिस्ट आपका दिया हुआ है, तो ये सारा चीज़ आप लोग यहाँ पे देख लेना। तो यहाँ पे देखिए दिया आपको यहाँ पे कि दैट इज एक्यूमुलेटर, तो ये देखिए इन्वेंट किया गया था वाल्डेमर जगनर के द्वारा। तो इसका देखिए हम लोग यूज़ करते हैं दैट इज स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग एक्यूमुलेटर का। अल्टीमीटर का देखिए ये जो है आपका जैसे इन्वेंशन किया गया था लुईस पॉल कैलेटेट के द्वारा किया गया था, तो इसका देखिए यूज़ किया था एयरक्राफ्ट में जैसे अल्टीट्यूड को मेजर करने के लिए कि कितना हाइट पे है वो। फिर इसके अलावा आप और भी देख सकते हैं सभी का, जैसे एमीटर का आपका हो गया, तो इसका हम लोग यूज़ करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए एम्पियर में। एनीमोमीटर है तो ये इसका यूज़ करते हैं हम लोग दैट इज फोर्स ऑफ वेलोसिटी को मेजर करने के लिए विंड का। फिर इसके बाद देखिए ऑडियोमीटर है तो इसका यूज़ करते हैं हम लोग साउंड का इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए। फिर उसके बाद देखिए एक्सेलरेटोमीटर आपका दिया हुआ है इसमें, तो ये आपका एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जिसका यूज़ करते हैं हम लोग एक्सेलरेशन फोर्स को मेजर करने के लिए। फिर बैरोमीटर आपका है जिसका यूज़ करते हैं एटमोस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए। फिर इसके बाद बैरोग्राफ आपका दिया हुआ है तो इसका यूज़ हम लोग करते हैं दैट इज़ फॉर कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग ऑफ एटमोस्फेरिक प्रेशर। फिर बोलोमीटर आपका है तो इसका यूज़ किया जाता है दैट इज़ हीट रेडिएशन को मेजर करने के लिए। और इनके इन्वेंशन कौन है तो ये भी आप लोग देख लेना, इन्वेंटर जिसने भी इन्वेंट किया था इनको। और भी आप देख सकते हैं कार्डियोग्राम आपका है, तो देखिए कार्डियोग्राम जो है तो ये यूज़ किया जाता है जो हार्ट के जो मूवमेंट जो होते हैं तो इसको ट्रेसेस को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर इसके बाद देखिए कैलरी मीटर आपका है, तो कैलरी मीटर जो आपका दिया हुआ है इसमें तो इसका हम लोग यूज़ करते हैं दैट इज़ कलर की जो इंटेंसिटी होती है उसको कंपेरिजन करने के लिए। फिर उसके बाद देखिए आपका इसमें दिया हुआ है सिनेमेटोग्राफ आपका दिया हुआ है, तो देखिए जो सिनेमेटोग्राफ है तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि हम लोग इसका यूज़ करते हैं पिक्चर को प्रोजेक्ट करने के लिए स्क्रीन के ऊपर में, जिससे कि इमेज इनलार्ज हो जाए फोटोग्राफ के जो भी दिखाया जाता है। फिर इसके बाद देखिए आपका क्रेसोग्राफ है, तो क्रेसोग्राफ देखिए इसका हम लोग यूज़ करते हैं जो मूवमेंट जो रहता है ना प्लांट का, जो टिप प्लांट का जो टिप पार्ट रहता है सबसे ऊपर का हिस्सा, तो उसके मूवमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ करता है क्रेसोग्राफ का। फिर डायनमो आपका है, तो इसका देखिए यूज़ किया जाता है बस बेसिकली एक डिवाइस आपका है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फिर इसके अलावा डायनमोमीटर आपका है इसमें, तो ये जो है फोर्स टॉर्क और पावर को मेजर करती है। इंडोस्कोप आपका है, तो ये देखिए इसका यूज़ किया जाता है दैट इज इंटरनल पार्ट जो बॉडी का होता है ना तो उसको एग्जामिन करने के लिए यूज़ किया जाता है इंडोस्कोप का। फिर इलेक्ट्रोमीटर आपका है, तो इसका देखिए यूज़ करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंसेस को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमीटर का। फिर फैथोमीटर आपका है, तो इसका हम लोग यूज़ करते हैं ओशियन का जो डेप्थ होता है उसको मेजर करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए सर लिस्ट आपका दिया हुआ है जो मेजर करते हैं हम लोग बेसिकली इंस्ट्रूमेंट जो आपके रहते हैं, तो ये सब लोग याद कर लेना अच्छे से। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रूलर्स परमिटेड ईस्ट इंडिया कंपनी टू एस्टेब्लिश अ फैक्ट्री एट सूरत। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन से इंडियन रूलर्स ने परमिट किया था ईस्ट इंडिया कंपनी को कि वो जो है एस्टेब्लिश कर सकता है फैक्ट्री अपना सूरत में। तो ये देखिए दिया गया था जहांगीर के द्वारा, तो इन्होंने ही परमिट किया था ईस्ट इंडिया कंपनी को इस्टेब्लिश करने के लिए फैक्ट्री जो कि सूरत में इन्होंने सबसे पहले लगाया हुआ था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी अरिव्ड जब ये आए थे पहली बार ये सूरत में ही आए थे यहाँ पे, और इसमें देखिए जो आए थे ना ये शिप से आए थे, जो जहाज से आए थे यहाँ पर विलियम हॉकिन जो आए थे सबसे पहले, तो ये इनका शिप का नाम था हेक्टर। तो ये भी आपसे पूछा था सबसे पहले कौन आते, तो विलियम हॉकिन आते जहांगीर के दरबार में और ये शिप का नाम था हेक्टर। फिर अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओरिजिन पॉइंट ऑफ द नर्मदा रिवर। तो ओरिजिन पॉइंट आपको बताना है नर्मदा रिवर का कौन सी है, तो इसका देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा दैट इज अमरकंटक। तो अमरकंटक जो है तो ये मध्य प्रदेश का, जैसे मध्य प्रदेश में ही आपका आता है ये, तो यहीं से ओरिजिन होता है नर्मदा रिवर का। अब यहाँ पे देख सकते हैं नर्मदा कुंड से ये बेसिकली सोर्स इसका लोकेशन है इसका जहाँ से ओरिजिनेशन होती है, तो वह आपका अमरकंटक प्लेटू का जो कि अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में आपका आता है ये मध्य प्रदेश में। तो ये आप लोग याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। तो जितने भी रिवर्स होते हैं उसका ओरिजिनेशन पॉइंट कौन सा है, इसके अलावा रिवर्स का फ्लो पैटर्न कैसा है जैसे ईस्ट टू वेस्ट है या फिर वेस्ट टू ईस्ट है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो हमने पूरा कलेक्शन किया हुआ जितने भी रिवर्स है इंडिया में और उनका ओरिजिनेशन पॉइंट कहाँ पे है और वो किस पैटर्न में फ्लो करते हैं, तो ये सारा चीज़ है आपको पीडीएफ में मिल जाएगा जो हमने बनाया हुआ है जीके के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स करते हुए। तो आप लोग उसको जरूर देखना, आपको जरूर बेनिफिट मिलेंगे एग्जाम्स में। फिर अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि ऑस्टियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ विच द फॉलोइंग। तो ऑस्टियोलॉजी जो है ये स्टडी हम लोग करते हैं किसका, तो इसमें देखिए दिया हुआ है फंगी बोन्स पॉइजन या बर्ड। तो देखिए जो ऑस्टियोलॉजी आपका है तो इसका होता है बोन्स का स्टडी, बोन्स का स्टडी को बोलते हैं हम लोग ऑस्टियोलॉजी। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, इसका ऑप्शन टू आपका हो जाएगा। और बाकी देखिए इसमें आपका जैसे पॉइजन दिया होता है इसका टैक्सिकोलॉजी होता है, बर्ड्स का आपका दिया होता है इसका ऑर्निथोलॉजी होती है। तो
तो ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म जो है हमने पीडीएफ में इंक्लूड किया हुआ है, आप लोग वहां से देख सकते हैं और भी एडिशनल पॉइंट। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग नोटेड एक्ट्रेसेस हैव बीन कन्फर्ड विथ द थर्ड यश चोपड़ा मेमोरियल अवार्ड। तो देखिए जो यश चोपड़ा मेमोरियल अवार्ड आपका है तो 2016 के लिए किसे दिया गया था, तो ये करंट अफेयर क्वेश्चन आपका था जब ये आया हुआ था, तो उस समय देखिए दिया गया था रेखा को दिया गया था 2016 का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो करंट में दिया गया, जैसे 2016 में रेखा को दिया गया था, 2017 में शाहरुख खान को दिया गया था और 2018 में आशा भोसले को ये दिया गया था। तो आप लोग जो इनको भी याद रखना, रिसेंट में 2018 में दिया गया था आशा भोसले को। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि ये भी करंट अफेयर से ही क्वेश्चन आपका था कि रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज ओपन इट्स फर्स्ट ब्रांच इन द साउथ कोरिया, यानी कि साउथ कोरिया की राजधानी जो सियोल जो साउथ कोरिया की राजधानी है, तो यहाँ पे कौन सा बैंक जो है उन्होंने अपना पहला ब्रांच ओपन किया था। तो इसका देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो SBI जो है इन्होंने पहला अपना ब्रांच ओपन किया था सियोल में, जो कि साउथ कोरिया की राजधानी है। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया था यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नेविगेशन सेटेलाइट वॉज सक्सेसफुली लॉन्च्ड बाई इसरो ऑन January 20, 2016। तो ये भी आपका करेंट अफेयर का क्वेश्चन था। तो देखिए उस समय इसरो ने जो है IRNSS 1E ये जो सेटेलाइट है, मतलब कि ये सक्सेसफुली इन्होंने लॉन्च किया था। तो ये एक नेविगेशन सेटेलाइट है बेसिकली, ये जो कि आपका इंडियन ओरिजिन का है ये, तो आप लोग जो इसे याद रखना। और ये देखिए जो सात जो आई इंडियन ओरिजिन नेविगेशन सेटेलाइट का एक सीरीज चलता है, तो ये उनमें से ये एक था इनका, तो जो कि ये बेसिकली आपका जो सेटेलाइट था, तो ये इसे जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में इसको जो है प्लेस किया गया था। फिर नेक्स्ट देखिए कि द टेलीविजन सर्विस वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट। तो इसमें आपको डेट पूछा गया है यहाँ पे कि जो टेलीविजन सर्विस है जो इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था पहली बार के लिए, तो ये कौन सा डेट को ये किया गया था। तो इसका देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा दैट इज 15th of September 1959। तो 15 सितंबर 1959 को जो है अब पहला बार जो मतलब टेलीविजन सर्विस स्टार्ट किया गया था इंडिया में। तो ये आप लोग याद रखना इसका, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, ये कुमा फिरक आपसे पूछ लेता है कभी कभार इस तरीके से। फिर नेक्स्ट देखिए इसमें आपका दिया हुआ है कि द ड्यूरंड कप इज एसोसिएटेड विथ द फॉलोइंग स्पोर्ट। ड्यूरंड कप जो है ये कौन से स्पोर्ट से ये रिलेटेड है, तो इसका देखिए राइट आंसर फुटबॉल आपका हो जाएगा। ड्यूरंड कप जो है तो ये रिलेटेड है आपका दैट इज फुटबॉल से। तो यहाँ पे देखिए और भी जो फुटबॉल से रिलेटेड आपके जो भी दिए हुए हैं स्पोर्ट्स, जैसे ड्यूरंड कप आपका हो गया, रोवर्स कप हो गया, संजय गोल्ड कप हो गया, संतोष ट्रॉफी हो गया, तो ये सारे जो है फुटबॉल से रिलेटेड आपके हैं जो कप्स एंड ट्रॉफी। तो देखिए कप्स एंड ट्रॉफीज का हमने एक लिस्ट भी तैयार किया हुआ है स्टडी जीके के अंदर में, तो वो जो है आपको PDF मिल जाएगा जो इंपॉर्टेंट जीके वाला टॉपिक आपका रहेगा जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे UPMRC एग्जाम के लिए। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हैज़ द स्मॉलेस्ट एरिया अंडर द फॉरेस्ट। तो कौन सा स्टेट है इंडिया का जिनके पास जो है केवल स्मॉलेस्ट एरिया है अंडर फॉरेस्ट कवर में, तो यानी कि जो परसेंटेज जो अगर बात किया जाए तो इनका बहुत ही कम है बाकी और के कंपेरिजन में। तो इसका देखिए राइट आंसर आपका हरियाणा हो जाएगा, मात्र यहाँ पे ओनली 3% या फिर 3.4% कुछ इस तरीके का ही जो है फॉरेस्ट कवर है आउट ऑफ टोटल जितने भी एरिया अवेलेबल है इसके पास। तो इस तरीके सबसे स्मॉलेस्ट एरिया अंडर जो फॉरेस्ट कवर है तो वह है हरियाणा का, फिर इसके बाद पंजाब का भी नंबर आता है लेकिन पहले पे आपका आता है हरियाणा। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन। तो देखिए जो एडल्ट जो ह्यूमन का स्केलेटन जो होती है एडल्ट पर्सन का, तो उसमें कितनी बोन्स होती है यानी कि हड्डियाँ होती है, तो उसमें देखिए टोटल 206 हड्डियाँ होती है लगभग इतना का आसपास होती है ये, और बाकी देखिए जो चाइल्ड जो होता है ना, तो चाइल्ड में जो बच्चे होते हैं तो उनमें और ज़्यादा होती है लगभग 300 से भी ऊपर हड्डियाँ उनके में होती है, लेकिन जैसे ही चाइल्ड वो ग्रो करने लगता है एडल्ट बन जाता है तो बहुत सारे हड्डियाँ जो है तो वापस में जुड़ जाते हैं, तो इस तरह से नंबर उनका कम हो जाता है। तो 206 हड्डियाँ ये माना जाता है कितना होते हैं एक ह्यूमन एडल्ट में। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन 4 यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया व्हेन जलियांवाला बाग मैसेकरे वाज कमिटेड। तो देखिए जलियांवाला बाग मैसेकरे जब कमिट हुआ था तो उस समय वायसराय कौन थे इंडिया के, तो देखिए उस समय जो वायसराय थे इंडिया के तो वो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है तो ये उस समय गवर्नर जनरल थे, इनका कार्यकाल था 1916 से लेकर 1921 में। और देखिए जो जलियांवाला बाग मैसेकरे जो हुआ था तो ये 1919 में हुआ था यानी कि 1916 में ये हुआ था। तो उस समय जब ये मैसेकरे हुआ थे तो इसमें बहुत सारे जो लोग हैं वो मारे गए थे इसमें। तो इसमें देखिए जैसे लॉर्ड चेम्सफोर्ड मतलब जो है ये उस समय वायसराय था इंडिया का, तो वायसराय से रिलेटेड या फिर जो आपके रहते हैं गवर्नर जनरल उनसे रिलेटेड उनके अंदर में जो ही इवेंट होते हैं
तो वो आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। इनसे क्वेश्चन आपको पूछे ही जाते हैं कि कौन गवर्नर था सचिन सच ऑपरेशन, या सचिन सच जो जो लगाया गया था, जो लॉन्च किया गया था मूवमेंट। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, हमने पीडीएफ में ये प्रोवाइड किया हुआ है आपको पूरी डिटेल में। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और इसी तरीके से हम आपको जो है इसके प्रीवियस ईयर का सेट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, जिससे कि आपको आइडिया हो जाए क्वेश्चन किस तरह के आते हैं एग्जाम में और आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। तो हमने पीडीएफ को उसी ऑर्डर में हमने अरेंज किया हुआ है, डिजाइन किया हुआ है, जो कि आपका जीके का जो पीडीएफ है, और वो जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक उसका बाय करने के लिए, तो आप लोग वहाँ से कर सकते हैं। तो आप लोग इसी तरीके से स्टडी करते रहिए, और हम जो है आपको पूरे एग्जाम तक प्रीवियस ईयर के जितने भी और सेट्स होंगे तो हम आपको लाते ही रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।